हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शंकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये है प्रेस्टीज की इलेक्ट्रिक केतली। इलेक्ट्रिक केतली वह है जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं या चाय भी बना लेते हैं। कुछ इसमें ऐसा चीज़ है, तो चलो हम देखते हैं और आपको बताते हैं इसकी पूरी पूरी हम डिटेल बताते हैं आपको। तो इसमें क्या क्या है चलो हम बताते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हम ये लाए हैं प्रेस्टीज की इलेक्ट्रिक केतली है, जो गर्म पानी के लिए हम इसको उपयोग के लिए अपने लिए ही लाए हैं। तो चलो हम इसको दिखाते हैं, पहले इसमें लिखा क्या क्या है। तो सबसे पहले ये प्रेस्टीज का है, इलेक्ट्रिक केतली है। इसमें कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है जो हम आपको बताते हैं। ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिक केतली के साथ कुछ ही मिनटों में गर्म पानी परंतु चाय आदि जैसे स्वचालित कट ऑफ सिंगल टच ढक्कन लॉकिंग सूरती खूबसूरती से एग्रोनॉमिकल हैंडल स्टेनलेस स्टील बॉडी आदि के साथ है। इस शानदार ढंग से तैयार किया गया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक केतली में आपके आधुनिक रसोई के लिए सहायक होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो इसमें लिखा हुआ है, तो इसकी जो MRP है हम दिखा रहे हैं आपको, ये 1945 रुपये है। ये जून 2021 की बनी हुई है। इसका वोल्टेज जो दोस्तों 30 वोल्ट है और ये 1350 वाट का है। मतलब इसमें 1350 वाट की, यानी कि ये मतलब कहिए कि 6 एम्पियर का लोड है। इसका मतलब ये हो गया 6 एम्पियर का लोड है। तो इतने में ये हेलमेट लाया गया हुआ है। और इसके इधर भी हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य पूर्ण स्टेनलेस स्टील की इसमें बॉडी है और आसान सफाई के साथ 360 डिग्री कुंडा आधार। और इसका मुंह है, गहरा मुंह है, मतलब आसान से आप इसको साफ कर सकते हो, साफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका इस प्रकार से ये इधर साइड लिखा हुआ। अब हम एक साइड और चलते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, इसको हम यहाँ भी चेक करते हैं। तो हम पहले पे चलते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। जो पहला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षित पूर्ण संभाल के साथ एकता स्पर्श ढक्कन लॉकिंग सुविधा जनक उपयोग और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दूसरा इसमें लिखा हुआ है, दूसरा होता है स्वतः कटअप है। जब पानी उबला हुआ है तो सुरक्षा के लिए बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। मतलब पानी गर्म हो जाएगा तो ये कटअप कर देगा। और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, गुप्त अवयव साफ करने के लिए आसान है। मतलब साफ सफाई के लिए इसमें हाथ डाल के आप इसको साफ सुथरा कर सकते हो। और तीसरा इसका जो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये जब पावर है या पावर सूचक संकेत करती है, पावर का इंडिकेशन दिया हुआ है। जब इसमें लाइट आती है तो यहाँ पे इंडिकेशन जल जाता है। और जो आपका पांचवा है, 360 डिग्री उपयोग के लिए सुविधा के लिए गहरा और तथा चौड़ा मुंह के साथ ये है। तो चलो हम इसको खोलते हैं, डिब्बे को खोल के और इसको हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। और पहले हम इसको पन्नी को बाहर करते हैं, फिर इसमें चेक करते हैं। पहले ये पन्नी हो गई और एक दो चीज़, और ये हमारे पास तीन चीज़ है। एक एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं, चलते हैं। ये केतली है, ये देखो ये केतली है, और ये इसका पावर सप्लाई है। तो इस ढक्कन को खोलने के लिए, और इसका ये बिल है, चलो हम इसको भी
खोल लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें डायग्राम दिए होंगे, आप हम यहाँ से तो सबसे पहले हम लीड लॉकिंग करते हैं। ये देखो ये ढक्कन को लॉक करता है, खुल जाता है यहाँ से ढक्कन। ये देखिए ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब इसको हम दबाएंगे ना इसे, ये अंदर जा रहा है ना, तो ये इस प्रकार से ये लॉक हो जाता है। ये तो हो गया। अब सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है जिसमें पानी निकालते हैं ना, तो सपोर्टिंग है ये काम होता है। और ये इसकी बॉडी है, बॉडी दिया गया है। और ये इंडिकेटर भी आपको दिखाया हुआ है, ये इंडिकेशन है, जब हीटर को ऑन करते हैं तो इंडिकेशन देता है। और फिर पावर बेस, इसको हम पावर बेस कहते हैं, ये पावर बेस है, इसी पे पावर हम देते हैं, ये बेस वाला है। फिर हम हैंडल, ये आपका हैंडल है इसका। और इसमें ऑन ऑफ बटन, ये ऑन ऑफ बटन है, इधर ऑफ होगा और इधर ऑन होगा, ऑन ऑफ ये बटन हो गया। ये इसमें सुविधाएं हैं। तो अब इसको आपको लगाना कैसे है हम इसको भी बताएंगे। इस कार्ड में एक साल की वारंटी है, तो इसका जो हम यूजर मैनुअल केटली है, इसका पावर मॉडल, ये देखो सीरियल नंबर है, इसका मॉडल है PKSS10, मतलब 1 लीटर की है, ये 1 लीटर की है। और इसमें अगर आप 1 लीटर पानी भर दो, ज़्यादा नहीं, आपको 1 मिनट चलाना है, 1 मिनट घड़ी के देख आपको चलाना है, तो इस पानी को आप नहीं पी सकते हो, इतना उबलता है पानी है। और दो चीज़ ध्यान दें, जब भी पानी अगर आप उबालो तो इस पानी में ठंडा पानी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसको चलाना कैसे है, ये आप 3 पिन टॉप उसमें लगाएंगे और फिर इसको ये हैंड इसको उठा के इसी के ऊपर रख देना पड़ेगा। देखो ये रख दिया, अब ये प्लग वहाँ पे लगा देना पड़ेगा। चलो हम इसको चेक करके आपको दिखाते हैं, इसको चेक कैसे करना है, इसको भी हम आप पानी डाल के दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें देखिए पानी भर गया 1 लीटर और 2 पॉइंट, आधा लीटर और 1 लीटर, इस पे दोनों को आपको करना है। अब हम इसको ढक्कन को बंद कर देते हैं, अब ले चलते हैं फिर। अब हम चलते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं इसको, रख दिया गया। अब यहाँ से हम पावर को ऑन करते हैं और ऑन हो गई। अब इसके लिए हमें यहाँ पे देख ये लगा हुआ है, इसको ऑन करता है, ऑन करना है। अभी आपको जैसे हम ऑन करूँगा तो आपको अपनी घड़ी चला लेना पड़ेगा, तभी पता चल जाएगा कितनी देर में गर्म होता है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे, टाइम हो जाए आप भी अपनी घड़ी ले लेना और देखना कितने टाइम पे ये गर्म करता है। इसमें 1 लीटर पानी धरा हुआ, बस आपको 1 मिनट, चलो 1 2 3 स्टार्ट हो गया। अब देखिए घड़ी स्टार्ट हो गई है, 1 मिनट आपको ज़्यादा नहीं, 1 मिनट तक बस इसको गर्म करना है 1 लीटर पानी, उस पानी को आप पी भी नहीं सकोगे। तो अब गर्म हो रही बिल्कुल, बस मात्र आपको यानी कि 40 सेकेंड, 42 सेकेंड, 43, 44, 47, 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और ये 60। चलो हम इसको बंद कर दिए हैं, अब कटअप बंद हो गया, देखो ऑफ कर दिया हूँ। अब इस प्लग को हमें यहाँ से बंद कर देना पड़ेगा और इसको निकाल लेते हैं। अब चलिए हम केटली को उठाते हैं,
चलो हम इसको पानी देख रहे हैं कितना गर्म है। अब आप भी सोच सकते हो कि एक मिनट में एक लीटर, ये हमारे ख्याल से आधा मिनट में भी गर्म कर देगा। ये देखिए, एक लीटर पानी गर्म करने के लिए कितना गर्म हो गया, सोचिए। तो ये पूरा बनके एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसको ढक्कन खोलो, हम पी के चेक करते हैं, पी पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल पीने योग्य पानी है, शानदार है। इसमें आप पानी मिक्स नहीं करेंगे, तो बढ़िया तरह से ये बिल्कुल ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडे को बिल्कुल गायब कर दिया, बिल्कुल एकदम गर्म पानी है। आप बिल्कुल इसको एक मिनट तक ही इसको चलाना, उससे ज़्यादा नहीं चलाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। आप इस ढक्कन को खोल के चेक करेंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।